आज का टॉपिक है प्रेम और प्रेम के ताकत को हम सभी जानते हैं। अभी रिसेंट में हमने देखा 12th फेल आदमी आईपीएस बन जाता है सिर्फ प्रेम की शक्ति के कारण। कोई आदमी इंटेलिजेंट है, किसी को बात करना अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, किसी को घूमना फिरना अच्छा लगता है, कोई इमोशंस का सहारा ढूंढता है, किसी में एग्रेशन होता है। ये जो 12 राशियां हैं इन्हें हम तत्वों के आधार पर भी बांट सकते हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो जल तत्व वाले लोग हैं या इन राशियों वाले जो लोग हैं उनके भीतर इमोशंस बहुत ज्यादा होगा और उन्हें इमोशनल सपोर्ट बहुत ज्यादा वो अपने पार्टनर में ढूंढते हैं, है ना। और प्रेम तो है ही इमोशन की बात। अब शुरू करते हैं सबसे पहले एरीज राशि के बारे में। तो एरीज राशि के जो लोग हैं ये बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड लोग होते हैं। इनकी जो कॉम्पेबिलिटी है वो लियो, सैगिटेरियस एंड पाइसेस राशियों वालों के साथ बहुत अच्छी रहती है। अब बात करेंगे टॉरस यानी वृषभ राशि की। तो टॉरस राशि वाले जो लोग हैं उनके प्रेम की कॉम्पेबिलिटी वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस राशि वालों के साथ बहुत अच्छी उनकी बनती है। यदि आपकी राशि जेमिनी है तो आप जानते हैं कि आपका मन घूमने फिरने और रोमांस में बहुत ज्यादा लगता है ना। तो आपकी जो कंपेबिलिटी है वो लिब्रा, एक्वेरियस और वर्गो राशि वालों के साथ बहुत अच्छी रहेगी। कर्क राशि, चूंकि कर्क राशि के स्वामी जो है वो चंद्रमा है और चंद्रमा हमारे मन का कारक है और प्यार, हम सब जानते हैं कि प्यार में दिमाग से आदमी सोच नहीं पाता, वो जो भी निर्णय लेता है या काम करता है वो दिल से करता है, या इसको ऐसे कहा जाए कि प्रेम का रास्ता जो है वो दिल से जाता है, दिमाग को बाईपास कर जाता है ना। तो जो कैंसर राशि वाले लोग हैं उनके जो पार्टनर्स हैं अगर वो स्कॉर्पियो, पाइसेस और लियो राशि के हैं तो उनके साथ उनकी बहुत अच्छी बनेगी। इसी तरह से जो लियो राशि वाले लोग हैं, क्योंकि लियो क्या है, सिंह राशि, आप सभी जानते हो सिंह राशि जो है लॉयन जो है वो डोमिनेटिंग होता है। जो लियो राशि वाले लोग हैं उन्हें एरीज, सैगिटेरियस और स्कॉर्पियो राशि वाले लोग बहुत ज्यादा पसंद आएंगे, उनके साथ उनकी लव कंपेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं वर्गो राशि यानी कन्या। आप में से जिस किसी की भी कन्या राशि है आप सभी इस बात को मानेंगे कि आप लोगों को बात करना बहुत पसंद है और आपको जिससे प्रेम है यदि उसके साथ आप बात करते हैं तो आप सोचो आप कितनी बातें कर सकते हैं। तो जिनकी वर्गो राशि है उनकी कॉम्पेबिलिटी टॉरस, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस राशि वालों के साथ बहुत अच्छी बनती है। आगे बढ़ते हुए जब हम लिब्रा राशि पर आते हैं तो हम देखते हैं कि जेमिनी, एक्वेरियस और वर्गो राशि जिनकी है उनकी कॉम्पेबिलिटी लिब्रा राशि के साथ बहुत अच्छी बनती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्कॉर्पियो राशि की। स्कॉर्पियो राशि वालों को कैंसर राशि, पाइसेस या लियो वाले लोग बहुत पसंद होते हैं। क्यों? क्योंकि कैंसर कर्क राशि यानी कि जल तत्व प्रधान है, तो स्कॉर्पियो बिच्छू जो है वो पानी में भी रहता है और धरती पे भी रहता है, तो उन्हें इन दोनों राशियों वाले लोग जो उनके तत्व है उनके साथ उनकी कॉम्पेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। सैगिटेरियस राशि वालों को एरीज, लियो और स्कॉर्पियो इन तीनों ही राशियों के लोगों के साथ उनकी कॉम्पेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि वाले लोगों को टॉरस, वर्गो और जेमिनी तीनों राशियों वालों के साथ उनकी कॉम्पेबिलिटी, लव कॉम्पेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। अब हम लोग बात करेंगे एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि वाले लोग लव पार्टनर के रूप में जेमिनी राशि, लिब्रा या कैप्रिकॉर्न राशि वाले लोग मिलते हैं तो उनकी कॉम्पेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इसी तरह से अब हम आ गए हैं अपने अंतिम राशि पाइसेस के बारे में। पाइसेस राशि यानी कि मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों को यदि कैंसर, स्कॉर्पियो या लियो वाले पार्टनर मिले तो ये उनके लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है।